हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है गाइस, हम सब फिलहाल ठीक है, आप सब की दुआ है। तो गाइस, अभी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक वो सब डाल रहा था, तो अपना वीडियो अपलोड हो गया है, 9 बजे आ जाएगा। अभी 8:30 हो रहा है और अपना नाश्ता यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। केले है, राज है, केले दूध और हल्दी वाला दूध है। अपना वीडियो हर रोज 9 बजे आ ही जाता है, 9 बज गए और अपना कल वाला वीडियो आ गया है। अपने को जाने का 11 बजे पंचायत में, कल जो अपने गए थे वो दाखिला लेने के लिए, पर हमको मना कर दिया कि कल आना, उनको जरूरी कुछ काम थे इसीलिए। तो आज 11 बजे जाएगी हम और डॉक्यूमेंट लेके आएगी। हम 2 सर्टिफिकेट लेने गए थे, एक सर्टिफिकेट था गाइस अनमेरिड सर्टिफिकेट और दूसरा वाला था जो था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो दोनों के दोनों मैं जाके ले आऊंगा। 11 बजे तक बारिश नहीं गिरनी चाहिए, 11 बजे के पहले गिरे तो अच्छा है, पर 11 बजे के बाद नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि हम जाना है हड़गुड़ और बारिश गिरी तो कैसे जाएगी हम। वैसे ही एटमोसफियर तो आज का खराब ही है, बादल ही बादल आ गए पूरे आसमान में। आज धूप ही नहीं है, बादल ही बादल है पूरे जगह पे। दुआ करो कि 11 बजे के बाद बारिश नहीं गिरे। अभी गिरनी है तो गिर जाए, जितनी गिरनी है उतनी है। आम के सीजन में हमने कैरी के गुटले यहाँ पर डाले थे, बारिश की वजह से आम के पेड़ रुक गए। एक वहाँ था और उसके पास में एक किया है, और एक इधर है, एक इधर है और एक वहाँ पर है। मिजान, आज क्या बना रहे हो? आज इसे अपने स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग भी अपने जरूरी है, यहाँ पर ठीक है, कुर्सी डाल के रीडिंग करते हैं। अब इंडियन आर्मी की भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए फर्स्ट अपने फिजिकल फिट रहना पड़ेगा। एक है डॉक्टर, वो लास्ट आती है ये टेक्निकल। तो लिखित की एग्जाम भी क्लियर करने की अपने, तो इसीलिए रीडिंग करना जरूरी है। आर्मी लिखित क्लियर करने को ये बहुत बढ़िया वाली बुक है, राम सिंह यादव की है। जैसे ट्रेडमैन की अलग आती है, जीडी की अलग आती है, वो सब बुक की अलग आती है, और इससे आप क्लियर कर सकते हो आर्मी भर्ती की लिखित परीक्षा। इस बुक में ज्यादातर तो MCQ है। आज अपनी मम्मी ने बनाई है रोटी, तो बना दी है। आज कवार की सब्जी बनी है और साथ में केले और बच्ची है। 11 ऊपर हो गए, अब नहा धो के एकदम रेडी है, साइकिल लेके जाते हैं। अभी तो मैं सबसे पहले शकील के घर जाऊंगा, शकील को जो आना होगा तो साइकिल घर पे रख के फिर उसकी बाइक पे जाएगी हड़गुड़। शकील घर पे ही नहीं है तो अपने अकेले चले जाते हैं, जब अपने कुछ काम होना तभी घर पे कोई ना हो, हर बार ऐसा ही होता है। शकील तो अपने साथ नहीं आया, पर सकलैन को ले लिया है। सकलैन के भी कराने का मेरी सर्टी और कैरेक्टर सर्टी। अच्छा है 11 बजे तक तो बारिश नहीं गिरी, और अभी भी नहीं गिरना चाहिए क्योंकि हम हड़गुड़ जाके वापस आए, वहाँ तक तो गिरनी ही नहीं चाहिए। सर्टी का हमने कल का प्रोसेस दिया था, तो वो बोल रहे अभी मेरा माइन नहीं है, सरपंच भी तो साइन बाकी है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम बाहर बैठे। हमारे पंचायत के सामने ये सब मार्केट भराती है सुबह सुबह को, कल हम लेट आए थे तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। सकलैन वहाँ छाव में जाके बैठे थे सामने। 12 बज गए पर अभी तक हमको सर्टिफिकेट दिए नहीं है, अब घर पे जाना पड़ेगा। पहले पंचायत में जैसे हम गए तो हमको बोला 5 मिनट वेट करो। वेट करने के बाद फिर से गया मैं, पर फिर भी बोला कि वेट करो। अभी तो मैं घर पे अकेला जा रहा हूँ साइकिल लेके, सकलैन और शकील आया था तो सकलैन को साथ में बाइक लेके घर पे चला गया है। तो अब मैं अभी घर पे जाऊंगा, फिर बैठूंगा, पानी पीऊंगा, फिर वापस से हड़गुड़ वापस आऊंगा, क्योंकि नमाज पढ़नी है। आज जुम्मा है तो नुमान के घर पे जाएगा आज। अब गाइस फिर से हम जाएंगे हड़गुड़, नमाज पढ़नी है, आज जुम्मा है तो आज तो मैंने नाखून नहीं काटे क्योंकि बकरा ईद आ रही है। फिर मैं आपको बताता हूँ उसका ये क्यों मैंने ऐसा किया है, ठीक है? तू भी ले लेते हैं, सिर्फ तेरे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ हड़गुड़ है कुछ काम। हर जुम्मा मैं हड़गुड़ी पढ़ता हूँ, हर जुम्मा के दिन नमाज पढ़ के घर वापस आते 3 बजे जाते दोपहर के। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बादल ही नहीं दिख रहे पर बारिश गिर रही है। देखो बारिश की वजह से अपने बूढ़े भी पूरे मिट्टी वाले हैं, पूरे के पूरे। बारिश थोड़ी हल्की हो तो फिर निकलते अपने। आज मम्मी ने बनाया शरबत। अभी गाइस सबों ने खाना भी खा लिया है, और अभी हम करने वाले वीडियो का एडिटिंग। 9 बज गया, फिर रात को सोने का, इसके लिए जल्दी से जल्दी। आज मैंने वीडियो का एडिटिंग किया ही नहीं है, पूरा दिन चला गया, इसलिए मैं अभी वीडियो का एडिटिंग करूंगा। गाइस अभी हमको साहिल भाई मिले हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो गाइस, समीर भाई को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, लाइक करना यूट्यूब, वीडियो देखना लाइक करना शेयर करना। चलो मिलते हैं। अभी गाइस 10 बज गया और अपना आधा वीडियो एडिटिंग हो चुका है, अब आधा ही रहा है तो भी हो जाएगा। और अपना वो साहिल मिला था, वो साहिल मिलता है जब भी मुझे मिलता है, मुझे यही बोलता है कि मेरा व्लॉग शूट कर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ गाइस को। तो मैंने उसका व्लॉग शूट किया, बहुत कॉमेडी इंसान है, जब भी मिलता है ऐसा ही बोलता है मुझको। तो मैं अभी घर पे आ गया हूँ, नमाज भी पढ़ ली ईसा की, बस तो अब वीडियो का एडिटिंग करने वाला हूँ। वीडियो का एडिटिंग जैसे खत्म होता है वैसे मैं वीडियो अपलोड में रख देता हूँ, सुबह तक तो अपनी वीडियो अपलोड हो जाती है, रात को मैं रख के सो जाता हूँ। जब मैं सुबह को उठता हूँ तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, टाइटल वो सब लगाना होता है, तो मैं सुबह को लगा देता हूँ, रात को वीडियो अपलोड करने के रख देता हूँ। हर शाम को जैसे अपने घर आते तो फ्रेश होते तो टी शर्ट भी अपने को बदलनी होती है। आज तो वैसे ही पसीने से भीगे थे, ऊपर से बारिश गिरी थी, तो मैं फोन नहीं ले गया था, अपना व्लॉग शूट हो नहीं पाया ज्यादातर, तो फोन तो अपना एक ही एक है, उसको संभालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने फोन नहीं ले गया, व्लॉग शूट नहीं किया। तो व्लॉग घर पे आया तभी मैंने शूट किया है। और ये टी शर्ट तो अपने हर रोज बदलनी पड़ती है, वो पड़ी अपनी एक टी शर्ट पसीने वाली। मैं ऐसे नहीं बोलता मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, बस ये मेरी मेहनत है। 3 चीज की अपनी जरूरत है, एक तो मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ अभी, एक तो अपनी मेहनत है, दूसरी अल्लाह का करम है, और तीसरा आप सबकी दुआ है। बस ये 3 चीजें मुझे चाहिए और सभी को चाहिए। तो चलो वीडियो का एंड कर देते, सुबह को मिलता है।
कल क्या प्लान होता है देखते हैं। आज तो अपनों को जो डॉक्यूमेंट लेने गए थे पंचायत में वो नहीं मिल सके। शकील और शकलन गए थे वापस से, जब मैं नमाज पढ़ के वापस घर पे आया तो दोनों गए थे लेने के लिए डॉक्यूमेंट, तो उनको दे दिए। वो बोले उनको कि समीर का भी दे दो डॉक्यूमेंट के मैं ले जाऊंगा साथ, तो उन्होंने बोला नहीं समीर आएगा तभी उसको डॉक्यूमेंट मिलेगा। वो सही बात है क्योंकि जब इंसान जाए तभी उसको डॉक्यूमेंट देना चाहिए, पंचायत एकदम सही है। कल मैं जाके अपना डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा पंचायत में से, पुलिस स्टेशन में से लिखाने का है कि हम क्रिमिनल नहीं। वैसे तो हम गाइस क्रिमिनल है ही नहीं है, क्रिमिनल होते तो इंडियन आर्मी का फॉर्म ही फिलअप नहीं होता। तो देखते हैं कल क्या होता है, अपना प्लान जो होता है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही पापा बोलेंगे तब जाएंगे पापा के साथ में। तो गाइस चलो इस वीडियो को कर देते एंड मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, जो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में। जैसी अपनी लाइफ होती है वैसे मैं आपको दिखाता रहता हूँ। मिलते हैं कल, ठीक है गाइस, बाय।